अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज सुबह सुबह उठे थे तो प्लान बना था कि चलते हैं हम गांव, निकल पड़े मैं और मेरे साथ में ये छोटा कज़न। तो पहले तो ये नहीं आ रहा था तो इसको भी मैंने रेडी साथ कर लिया। मैंने कहा साथ काम आएगा ये बैग शैग उठाने में, समझ रहे हो? बहुत ही होनहार बच्चा है, बॉय अच्छे काम करता है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन में, वहाँ से बैठ के अड्डे पे जाएंगे, वहाँ फिर गाड़ी पकड़ के फिर जाएंगे। तो फाइनली टिकट ऑफिस पहुँच गए, भाई को भेजा हमने टिकट लेने के लिए, तो मेरे पास पैसे थे नहीं तो उसी को भेजा है। भाई देख सकते हैं टिकट ले रहे हैं, तो बाकी मेट्रो में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, दुआ करें सफ़र अच्छा गुजरे। फाइनली गाइस टिकट शिकट लेनी है, जा रहे हैं हम नीचे। तो नीचे देख सकते हैं काफ़ी रश है। तो फाइनली मेट्रो से उतर गए, अभी और मेट्रो पे जाना है जो जाती है बिल्कुल 26 नंबर, तो वो जाएगी हमारे बिल्कुल अड्डे के पास। वहाँ से हमने दूसरी गाड़ी पकड़नी है जो हमारे बिल्कुल जाती है गाँव। इस टिकट को करते हैं आउट यहाँ से, और अभी जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर और यहाँ से फिर टिकट लेते हैं दूसरा मेट्रो का, और वहाँ से लेके फिर हमने इधर नीचे आना है। अरे भाई भी हमारे साथ है, भाई कहाँ जा रहे हो? गांव। कहाँ जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? आपके साथ। अच्छा अच्छा, क्यों जा रहे हो? वैसे भाई की शादी पे। भाई की शादी है? ओहो भाई की शादी है, आपको मैंने बताना भूल गया, भाई की शादी पे जा रहे हैं। और दूसरा ये कि मेरी भांजी मतलब पैदा हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी मिलने जाना था, काफ़ी दिन हो गए मैं गया नहीं। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, सोचा शादी पे हो गया उनके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं के घर जाना है, देन फिर आगे शादी पे जाएंगे। तो फाइनली मेट्रो से उतर गए, अभी जा रहे हम अपने बस स्टॉप की तरफ। कुछ पूछा? पूछा मैं और मेरा छोटा कज़न मेरा भाई जा रहे हैं, और काफ़ी प्यास भी लगी है, उधर जाके फिर कोल्ड ड्रिंक पकड़ते हैं। भाई प्यास लगी है आपको? लगी है, अपने पैसों को खरीद लेता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चे ऐसे नहीं है ना इसको मैंने देने, माशाल्लाह जी मेरा किराया भी यही पे करेगा। ठीक है, टिकट वगैरह सारा कुछ, खाना पीना रिफ्रेशमेंट जो भी होगी यही पे करेगा माशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पहुंच गए, बहुत ज़्यादा ही रश है, देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा रश है ना। एक्चुअली वीकेंड था तो वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, 10-15 मिनट का। तो शुक्र है हमारा अड्डा काफ़ी आगे, ये लाहौर इस्लाम कराची वाले हैं, तो उधर ही जा रहे हैं आगे, पता नहीं कब जाके हमें गाड़ी मिलेगी। चल तो रहे हैं, पता नहीं किधर है, चलो चलो इधर से मेल तो जानी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ से पता करते हैं। अस्सलाम मियाँ वाली जाना है? कितने सीटें हैं? दो ही हैं, सी पैक 12 से सी पैक जाएगी ना? नहीं। कितनी देर में गाड़ी पहुँचेगी? 11:45 पे आ जाएगी। 11:45 क्यों टाइम हुआ? 2400 रुपया था। 1200 रुपये किराया? हेलो खाली बजाना, सीटें दो हैं। कितने बजे कह रहे हैं आप? 11:45 पे? बहुत टाइम पड़ा है यार, 11:45 पे कह रहे हैं और 2400 रुपया कह रहे हैं गाड़ी का, तो किराया बहुत महंगा हो गया। एक्चुअली पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, तो इस वजह से किराया भी काफ़ी महंगा हो गया। बात तो सही है। पहले गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, ए सी चलते हुए ठीक हो जाएगा निज़ाम। भाई भी सुकून से बैठ गए हैं, भाई गर्मी तो नहीं लग रही? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो खैर है, किसी न किसी तरह पहुंच जाएं यार, बस चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाएं।
तो A few moments later. तो finally land हो गए हैं हम अपने ही stop पे. ये देख सकते हैं हमारा stop बिल्कुल ही road पे. तो यहाँ पे मैं vlog को कर रहा हूँ, and like और subscribe करना. अल्लाह हाफिज़.